टेंगे इस प्रकार से प्रनाउन को यूज करते हुए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इंटरगेटिव राइट स्टार्ट कैसे करेंगे एम एस आर या वो स्वेयर या फ्यूचर हो तो फ्यूचर का लिंकिंग वर्स उसके बाद प्रनाउन प्लस एजिक तो हम सेंटेंस पैटर्न इलेवन ट के बाद ट्वेल्थ स्टार्ट करते हैं अब इसमें क्या है प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है लिंकिंग प्लस प्रोनाउ प्लस एजेटिव तो हम स्टार्ट ही लिंकिंग वब से करेंगे अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है इन प्रेजेंट टेंस तो अपना स्ट्रक्चर हो जाएगा लिंक वर्ब प्लस प्रोनाउ प्लस एडजेक्टिव दिस इज स्ट्रक्चर फॉर सेंटेंस पैटर्न टवेल्व तो इलेवन हमने देखा था नेगेटिव अभी ट्वेल्थ हम देखेंगे प्रश्न चिन्ह इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि लिंक लिंकपो भी स्टार्टिंग में होगा लिंक लिंकपो प्लस प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव लिंक लिंकपो कौन सा तो एम इज आर द प्रेजेंट टेंस के लिंक पोक सो दिस इज द एग्जांपल्स फॉर प्रेजेंट टेंस लिंक इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो देखते हैं एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहता हूँ मैं खुश हूँ एम आई हैप्पी तो आई एम हैप्पी था आई एम नॉट हैप्पी अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि अब मैं खुश हूं तो होगा एम आई हैप्पी तो लिंक लिंकोक् जो है आई के साथ एम लगता है तो एम में आगे लगूंगा और आई जो है प्रोनाउन और हैप्पी एजिटिव सो लिंक प्लस प्रोनाउन प्लस एजिटिव एम आई हैप्पी दिस विल बी अवर सेंटेंस पैटर्न फॉर आस्किंग इन फ्यूचर टेंस इन प्रेजेंट टेंस राइट सॉरी नॉट इन फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस एम आई हैप्पी उसी प्रकार ही इजी हैप्पी के लड़का है हैप्पी है पूछना चाहता हूँ अभी इनके बदले कोई लेडी है और मैं पूछना चाहता हूँ और हैप्पी के बदले सैड है क्या ये दुखी है तो हो जाएगा इस शी सैड तो लिंकिंग ऑफ जो है इस एंड प्रोनाउन जो है शी एंड एडजेक्टिव है सैड तो इस शी सैड दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर थर्ड एग्जांपल उसी प्रकार अगर मैं बहुत चल ले रहा हूँ ठीक है और सेट की जगह कन्फ्यूज एडजेक्टिव ले रहा हूँ तो पूछना चाहता हूँ क्या इन लोग कन्फ्यूज है इन प्रेजेंटेंस वेल तो आर दे कन्फ्यूज अभी यहाँ देखा होगा मैंने आर यूज कर रहा हूँ क्योंकि दे है तो दे के साथ क्या आएगा आर आर दे कन्फ्यूज आई के साथ एम तो मैं एम से प्रश्न स्टार्ट किया एम आई ई सी ई सी लेकिन आर दे क्योंकि बहुवचक बचे राइट नाउ लेट अस सी द दूसेजेस अभी इसका यूसेज क्या होगा तो ये जो प्रोनाउंस है लिंकिंग वर्ब एम एस आर के साथ लगा के यूज कर रहे हैं सो द फर्स्ट यूसेज विल बी हाउ टू यूज दिस प्रोनाउंस अलोंग विद द लिंकिंग वर्ब एम एस आर अभी यहाँ एम एस आर से हम क्या कर रहे हैं प्रश्न बना रहे हैं Present tense mein, right? the first usage is uh, linking verb and pronoun that is how to combine the linking verb with pronoun and uh, the second usage we can say use in present tense so this pattern is used in present tense and the third usage you know it's uh, used to make what you say interrogative sentence right प्रश्नवाचक बनाने के लिए यूज कर रहा हूं तो सेंटेंस पैटर्न ट्वेल्व जो है वो पैटर्न हमें प्रश्नवाचक बनाने में हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस सो दिसर इज यूज एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंटेंस द लिंकिंग वर्ब एम इज और आर इफ यू लाइक दिस वीडियो Then hit the like button, share this video among your friends, and if you are new to this channel, then kindly to subscribe this channel. Have a good day.